जम्मू कश्मीर सरकार दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्या दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रशासन के अधिकारी जगह जगह जाकर लोगों की समस्याओं का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में जिला विकास उपायुक्त रजौरी विकास कुंडल ने रजौरी के थाना मंडी इलाके में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं का जायजा लिया और उन्हें हल करने की बात की। जिला विकास आयुक्त ने इस मौके पर लोगों को विभिन्न श्रेणियों के सर्टिफिकेट भी प्रदान किए, जिसके लिए लोगों ने आवेदन किया हुआ था। जिला विकास आयुक्त ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि सरकार लोगों को हर प्रकार की बुनियादी सुविधा मुहैया करवाने के लिए काम कर रही है। हमें आते ही इतना अच्छे से वेलकम किया, हमारी बातें सुनी और कुछ अपनी शिकायतें सुनाई। मुझे एरिया में, जब मैं किसी एरिया में जाता हूं तो मैं दो तीन चीजें देखता हूं कि वहां पर डेवलपमेंट का क्या लेवल है, लिटरेसी का क्या लेवल है और लोगों का नेचर कैसा है। तो रास्ते में आते ही ये तो पता चला कि डेवलपमेंट तो यहाँ ठीक ठाक है। लिटरेसी के बारे में आपने खुद ही बताया कि यहाँ के लोग काफी बड़े बड़े ऑफिसर हैं ऑलरेडी हैं, और नेचर से मुझे पता चला कि आप बड़े वेलकम करने वाले लोग हैं, दिल खुश मिजाज लोग हैं। डेवलपमेंट में जो डीसी का एक रोल रहता है कि उसको इलाके की तरक्की को तेज करना होता है, आपने हमें चार पांच पॉइंट बताए। मुझे उसमें सबसे मेन पॉइंट ये लगा कि जो यहाँ की जो रोड है इसमें आपको कुछ कॉम्पनसेशन के इश्यूज हैं और आप ये चाहते हैं कि रोड जल्द से जल्द बने। दूसरा, आपके जो पुराने पीएमजीएसवाई के रोड्स हैं उनकी कॉम्पनसेशन के लिए आपको कुछ इश्यूज हैं। आज हमारे एसडीएम साहब यहाँ बीच में नहीं हमारे बैठे हैं, वो हमसे छुट्टी लेके गए हैं, उनको घर का कोई इश्यू है। वो इस एरिया के कलेक्टर भी हैं। पीएमजीएसवाई में जितना भी पैसा है मैं उनको एक टारगेट दूंगा कि अगले 6 महीने में इसको जल्दी से वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। रही बात सोशल वेलफेयर की स्कीम्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ने आपको अच्छे से रिप्लाई तो दिया है, लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं गैप्स रह गए होंगे, कुछ केसेस हैं जिनको अभी भी हम ऐड कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि वो एक स्पेशल कैंप लगाएं यहाँ पे, जितने भी लेफ्ट आउट केसेस हैं उनको यहाँ पे वो उनको ऐड करें। एक आपकी डिमांड है कि यहाँ पे अभी भी कुछ 4 घर रह गए हैं जिनकी बिजली अभी नहीं आएगी, अभी अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाई है। तो हमारे एक्सचेंज साहब ने आपके सामने कमिट किया है कि वो 15 जनवरी तक वो बिजली हम यहाँ पर लाएंगे। एक और इशू जो हर एक जो शिकायत करने वाला है उसके बातों में सामने आया कि कोई एक यहाँ प्लांट है जिसका मैकेनिकल इक्विपमेंट अभी तक यहाँ नहीं 10-12 साल में नहीं पहुँच पाया है। उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि इसको इस कैपेक्स में नहीं तो नेक्स्ट कैपेक्स में हम चाहेंगे आपका वो वाटर सप्लाई जो है वहाँ से बहाल हो जाए। बाकी रही आपकी जो डिमांड है कि आपकी अपग्रेडेशन है पीएचसी को सीएचसी में कन्वर्ट करना है, मैं कोशिश करूँगा, मैं चिट्ठी लिख के इसको आपके डॉक्टर्स की तादाद या यहाँ पे कर दूँ, ज़्यादा कर दूँ। आपकी एक्सरे की मशीन जो 20 साल पुरानी है उसको ठीक कर दें, कुछ ना कुछ इसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके साथ की, आपके डीडीसी जो यहाँ पे मेंबर हैं वो खुद एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, वो एसीआर का रजौरी रहे हैं, एडीसी रजौरी रहे हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, उनकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डेप्थ काफ़ी है, हम उनकी नॉलेज को भी यूज़ करेंगे। हमारे जो म्यूनसिपैलिटी के जो प्रेसिडेंट है उनकी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेप्थ काफ़ी है, हम उनकी भी गाइडेंस लेंगे। हम कोशिश करेंगे अगले 6 महीने में जो आपके थंडा मंडी के इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएलके मीडिया, जम्मू। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.